अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अलीना। आप देख रहे हैं अलीना यमी फूड। तो आज अलीना यमी फूड में क्या बनने जा रहा है? आज अलीना यमी फूड में बनने जा रहा है पालक और मटन। पालक और मटन, चले देखते हैं कि पालक और मटन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये किस तरह से बनता है। पालक गोश्त के लिए ये मैंने तकरीबन 2 किलो पालक ले ली है। अब हम इसको काट के इसको बॉईल पहले कर लेंगे। सबसे पहले काटना किस तरह से, ये देखिए पालक की डंडियां आपने लाजमी रखनी है। साथ में जितनी मैंने एक्स्ट्रा थी वो देखें, ये मैंने काट दी है। अब ये सारी डंडियां पालक के अंदर जाएंगी। इसी के साथ टेस्ट पालक का बहुत अच्छा बनता है। खाली पत्तों से पालक का टेस्ट नहीं आता। पालक को आधा ग्लास के करीब पानी डाल के उबालने के लिए रख देंगे। इस तरह से साबती अदरक छीले बगैर जग में डालेंगे। अच्छी तरह से मैंने धो लिया, और लहसुन छीले बगैर, और इसका पानी बना लेंगे। थोड़ा सा पानी, इस तरह से मैंने लहसुन अदरक का पानी तैयार कर लिया। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से आपने हाथ से प्रेस करके गुद्दा निकालना है। ये देखे छिलके यहाँ पे सिर्फ रह जाते हैं, गुद्दा सारा उसके अंदर पानी के अंदर चला जाता है, और ये टाइम का भी बचत हो जाती है, और पानी के साथ जायका भी अच्छा आता है खाने का। आपकी मर्जी, आप इसको ग्राइंड करके भी, लहसुन अदरक छील के ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मैं इसी तरह लहसुन अदरक इस्तेमाल करती हूँ। देगी मटन पालक के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने 1/2 kg मैंने मटन ले लिया है, 2 अदर टमाटर, 1 बड़ी साइज की प्याज लेके काट ली है, 3 अदद हरी मिर्चें, 3 अदद बड़ी इलायची, 1 बड़ी स्टिक दालचीनी की, और 4 से 5 अदद लौंग, और ये लहसुन और अदरक का पानी बना लिए। मसालों में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ये सूखी मेथी है जो देगी पालक की जान है, ये मैंने 2 टेबलस्पून ले ली है, और 4 टेबलस्पून ये मेरे पास दही है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे खुले मुंह वाला, हस्बे जरूरत ऑयल, तकरीबन 1/2 कप के करीब ये मैंने ऑयल डाल दी है। इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग डालेंगे घी के अंदर। प्याज शामिल करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। पालक को हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। पालक बॉईल हो गई, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे। थोड़ा सा लहसुन का पानी शामिल करेंगे। ये वही लहसुन अदरक का पानी है जो मैंने आपके सामने अभी बनाया था। नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे, इस तरह से हल्का सा कट लगा देंगे, और इसको साबुत में डाल दूंगी।
थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पानी शामिल करेंगे। अब बचा हुआ लहसुन अदरक का पानी और 2 गिलास पानी के डाल के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। पानी खुश होने वाला है और तकरीबन गोश्त भी गल गया हमारा। अब इसमें काली मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया शामिल कर देंगे। योगर्ट शामिल करेंगे और ये मेथी इसको धो लेंगे पहले, क्योंकि सूखी मेथी में थोड़ी मट्टी होती है, इसको धोए बगैर मत इस्तेमाल करें। ये मेथी को मैंने इस तरह से थोड़े से पानी में भिगो दिया था और ये अब ऊपर का से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए नीचे काफ़ी मट्टी होती है, ये आपको नज़र आ रही हो नहीं, सूखी मेथी के नीचे काफ़ी मट्टी होती है, इस्तेमाल करने से पहले इसे वॉश लाजमी कर लें। पालक ठंडी हो गई है, अब इसको निकाल के इस तरह से जग में डाल लेंगे। पालक के अंदर मैंने पानी नहीं शामिल किया, वो निकाल के डालते हुए जितना पालक के अंदर पानी था वो ही इसमें है। हमने इसको ज्यादा ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ 1-2 राउंड के बाद हमने ग्राइंडर को बंद कर देना है। अब जो पालक ग्राइंड की है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इस पालक को गोश्त के साथ अच्छी तरह से भूनना है। धनिया थोड़ा सा काटा है हमने, वो शामिल कर देंगे। हरी मिर्चे काट के डाल देंगे। और इसको कवर करके इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, साथ साथ में चेक भी करते रहेंगे क्योंकि पालक नीचे लग जाती है। पालक का पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पालक को हमने तकरीबन 10 मिनट भून लिया है। अब इसमें जिसमें हमने पालक बॉईल की थी, ये पानी मैंने उसका फेंका नहीं था, ये वो ही पालक का पानी है जो इसमें मैं अब तकरीबन 1 गिलास के करीब, क्योंकि ये पालक पतली बनती है इसलिए इसमें पानी डालना ज़रूरी है। अगर आप पतली पालक नहीं खाना चाह रहे तो इसको भून के आप वैसे ही उतार सकते हैं। अब इस पालक को कवर करके हल्की आग पर 20 मिनट के लिए पका लेंगे। मज़ेदार पालक और मटन तैयार हो गया। देखें ज़बरदस्त पालक खुशबू भी आ रही है, जैसे वीडियो आप देख सकते हैं, कोई तरीका हो कि आप इसकी खुशबू भी सुन सके तो आपको मैं बताऊं कि वाकई ये देख की तरह की इसकी खुशबू आ रही है। मज़ेदार देगी मटन पालक तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत
भूलिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।